So hey, what's up guys, we are back with a new video. This is Shivam, this is Neha, and you are watching Beat Blaster. So, आपके लिए लेके आ गए हैं नई पार्ट। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मेरे को ना मतलब बेसब्री से इंतजार रहता है कि मैं नेक्स्ट रिएक्शन कब करूं और आप सभी हमारे साथ देखो ना। सही बात, बहुत मेरे दिल को तसल्ली मिलती है क्योंकि आप सभी इतना ज्यादा प्यार कर रहे हो, बहुत इंटरेस्ट ले रहे हो आप हमारे साथ देखने के लिए। मोहम्मद सबके लिए पार्ट 8, सेवंथ पार्ट में क्या देखा था हमने लास्ट में? आई थिंक बेबी अमीना का इंतकाल हुआ था, उसके बाद हुआ था आई थिंक चाचा, जब वो चाचा के घर पे रहने चले गए थे ना, मतलब उनकी लाइफ में उनके दादाजी भी चले गए थे जब वो है ना। एट्थ पार्ट में देखते हैं कि क्या है, उसके बाद कैसे रहते हैं चाचा के यहाँ वो, है ना, अपने बरकतें आती है, वो चाचा के घर बरकतें आने लग पड़ी थी, हमने थोड़ा सा देखा था। तो बाकी आगे प्ले करते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। वीडियो लास्ट तक देखना, मेरे को जरूर यकीन है आप देखोगे हमारे साथ लास्ट तक, जो भी हमारे डाउट्स होंगे वो आप लास्ट में क्लियर करोगे। पर मिफ्ताई जी बहुत कमाल का समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो डाउट तो क्लियर बनना, मतलब सवाल ही नहीं उठता डाउट। बाकी ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अब्दुल नाम के का, राशिद मिफ्ताही जी का, है ना। सो करें प्ले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सबके लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका ये 8वां हिस्सा यानी पार्ट 8 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 7वें हिस्से में क्या सुना। हमने 7वें हिस्से में सुना कि हजरत आमिना के इंतकाल के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने संभाला, उनका ख्याल रखा। दादा अपने पोते से बेहद मोहब्बत करते थे, लेकिन अल्लाह ने दादा को भी अपने पास बुला लिया। उस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल थी। उसके बाद कई ऐसे वाकयात हुए कि यहूदियों के राहिबों, आलिमों, काहिनों, नुजूमियों ने आपको देखकर ही पहचान लिया कि ये आखिरी नबी है। दादा अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के परवरिश में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आते ही अबू तालिब के घर में बरकतें, रहमतें नाजिल होना शुरू हो गई। चलिए अब आगे सुनते हैं, चचा अबू तालिब भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपना मोहब्बत करते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के पास रहते हुए आपको 4 साल बीत गए थे, अब आपकी उम्र 12 साल हो गई थी। आप एक खूबसूरत नौजवान मालूम होते थे। इस थोड़ी सी उम्र में ही आपकी हर बात ऐसी थी जिसे सब देखकर ताज्जुब करते थे और आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाते थे। आपकी चाल ढाल और आपके तरीके ही ऐसे थे जैसे बड़ी उम्र वालों के होते हैं, तजुर्बेकार लोगों के होते हैं। जब कहीं बच्चे खेलते तो आप भी वहां मौजूद होते, मगर आप साथ नहीं खेलते थे बल्कि दूर से देखते रहते थे। इस उम्र से ही आपकी आदत थी कि आप ज्यादातर खामोश रहते थे, तन्हाई में ज्यादा बैठते थे, न कभी किसी से लड़ते थे, न कभी किसी को बुरा कहते थे। चचा अबू तालिब जब आपकी सब बातें और आपकी आदतें देखते तो उनको बड़ा ताज्जुब होता। यही वजह थी कि चचा अबू तालिब के दिल में आपकी मोहब्बत के साथ साथ आपकी इज्जत भी पैदा हो गई थी। अब चचा अबू तालिब जब भी आपसे बात करते तो इस तरह बात नहीं करते जैसे आम बच्चों से बात की जाती है, बल्कि उस तरह बात करते जैसे बड़े और तजुर्बेकार आदमी से बात की जाती है। उसी जमाने में एक दफा चचा अबू तालिब को शाम का सफर पेश आया। वो तिजारत के लिए एक काफला ले जा रहे थे। जब काफले के जाने का और चलने का वक्त आया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ चलने का आपने इरादा जाहिर किया। चचा अबू तालिब इनकार नहीं कर सके और तैयार हो गए और आपको भी साथ ले लिया। ये मुबारक काफला जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक थे मक्का से रवाना हो गया। रास्ते में ये काफला कई जगह ठहरता, आगे बढ़ता, यहां तक कि एक दिन ये काफला शाम की सरहद में दाखिल हो गया। शाम की सरहद पर एक छोटा सा शहर था
जिसका नाम बुसरा था। कुरैश के काफले अक्सर वहां ठहरा करते थे। इस काफले ने भी वहां पर पड़ाव डाल दिया। जिस जगह इस काफले ने पड़ाव डाला था, बिल्कुल उसके सामने ईसाइयों का एक बहुत बड़ा गिरजाघर यानी इबादत गाह थी। उस इबादत गाह में ईसाइयों के एक बहुत बड़े मजहबी पेशवा, रहनुमा, आलिम रहा करते थे, जिनका नाम बुहैरा था। कुरैश के काफले अक्सर उसी गिरजाघर के सामने पड़ाव डाला करते थे, ठहरा करते थे। लेकिन कभी बुहैरा राहिब ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, न कभी उनको पूछा। लेकिन इस दफा हुआ ये कि जब काफले वाले सुस्ता रहे थे, आराम कर रहे थे, अचानक गिरजाघर से एक कासिद आता हुआ दिखाई दिया। उस कासिद ने करीब आकर कहा कि मुझे आपकी तरफ बुहैरा राहिब ने भेजा है और ये पैगाम दिया है कि आज पूरे काफले वालों को हमारी तरफ से खाने की दावत है, मगर शर्त यह है कि पूरे काफले वाले सबको दावत है और सबके सब दावत में आए, कोई बचने ना पाए। काफले वालों को और कुरैशियों को बुहैरा राहिब की इस दावत पर बड़ी हैरानी हुई, इसलिए कि वो हमेशा इस जगह ठहरते थे, पड़ाव डालते थे, मगर कभी दावत तो क्या, हालचाल भी नहीं पूछा गया, और आज सीधे खाने की दावत, आज ऐसी क्या खास बात हो गई। बहरहाल काफले वाले यही सोचते हुए और सोचते ही रह गए कि खाने की दावत का वक्त हो गया। सारे काफले वाले बुहैरा राहिब के पास उस इबादत गाह में पहुंच गए, मगर इन काफले वालों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पड़ाव की जगह पर ही छोड़ दिया, ये सोच करके आप बच्चे हैं, आपको साथ ले जाना कोई जरूरी नहीं है। जब ये लोग बुहैरा राहिब के पास उस इबादत गाह में, उस गिरजाघर में पहुंचे, तो एक कुरैशी ने बुहैरा राहिब से पूछा कि आज हमने एक नई बात देखी है, हम तो यहां अक्सर आते रहते हैं, गुजरते रहते हैं, पड़ाव डालते रहते हैं, लेकिन कभी आपने दावत नहीं की, तो फिर आज कैसे और क्यों। बुहैरा राहिब ने बात को टालने के लिए कहा कि ये सब बातें तो ठीक है, मगर आप लोग हमारे मुल्क में आए हैं, हमारे पड़ोस में ठहरे हैं, तो हमारा मेहमान नवाजी का हक बनता है, इसलिए आपको दावत की है, और कोई बात नहीं है। लेकिन असली बात ये थी, दरअसल बुहैरा राहिब ने अपनी आसमानी किताबों में, अपनी मजहबी किताबों में पढ़ा था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हुजूर के आने की बहुत सारी निशानियां उनके दिमागों में थी, उन्होंने किताबों में पढ़ा हुआ था। इसलिए बुहैरा राहिब जानते थे कि इस दुनिया में इस वक्त आखिरी उम्मत के आखिरी नबी आने वाले हैं। हुआ ये था कि इस दफा जब कुरैश का काफला यहां आकर ठहरा, तो बुहैरा राहिब ने देखा था कि एक बादल का टुकड़ा इस काफले के ऊपर साया किए हुए साथ साथ चल रहा है। जहां काफला रुक जाता, बादल भी रुक जाता, क्या बात, और जब चलने लगते तो बादल भी चलने लगता। फिर बुहैरा राहिब ने यह भी देखा था कि एक नौजवान जब काफले से अलग हुआ तो बादल भी अलग हो गया और उस नौजवान पर साया करने लगा। जब वो नौजवान दरख्त के नीचे जाकर बैठा तो वो बादल दरख्त के ऊपर भी आकर साया करने लग गया। चूंकि बुहैरा राहिब ने किताबों में पढ़ा था कि जब आखिरी नबी इस जमीन पर आएंगे तो बादल उन पर साया किए हुए होगा, इसलिए बुहैरा राहिब ने अपने इत्मीनान के लिए पूरे काफले को दावत की थी ताकि वो आखिरी रसूल को करीब से देखे और पहचाने। चुनांचे जब काफला उनके गिरजाघर में आया तो बुहैरा राहिब ने काफले के हर आदमी पर गहरी निगाह डाली और गौर से देखा और घूर घूर के देखने लगा, मगर किसी काफले वालों में वो निशानियां नजर नहीं आई। तो फौरन राहिब को थोड़ा शक हुआ तो उसने पूछा काफले वालों से कि आप लोगों के काफले के सब लोग आए हैं या कोई रह गया है। काफले वालों ने बताया कि हम तो सभी आ गए हैं, सिर्फ एक बच्चा हमने छोड़कर आए हैं, वो छोटा है, कम उम्र है, इसलिए हमने उसको साथ लाना जरूरी नहीं समझा। मगर बुहैरा राहिब ने कहा, आपको मालूम है मेरे कासिद ने क्या कहा था, हमारी एक शर्त थी कि कोई छोटा हो या बड़ा, दावत में कोई गैर हाजिर नहीं होना चाहिए। काफले वालों ने कहा कि हाँ ठीक है। चुनांचे हुजूर के ताया जिनका नाम हारिस था,
उन्होंने जाकर पड़ाव की जगह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर आए। लेकिन बुहेरा राहिब ने देखा कि जब हुजूर आ रहे थे तो बादल साया किए हुए आपके साथ साथ चल रहा था। उसके बाद बुहेरा राहिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन को घूर घूर के देखता रहा। बुहेरा राहिब को आपके अंदर वो सारी निशानियां नजर आ रही थी जो उन्होंने आसमानी किताबों में पढ़ी थी। जब सब लोग खाने से फारिग होकर जाने लगे तो बुहेरा राहिब जल्दी से हुजूर के पास आए और कहने लगे कि मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूं। आपको लात उज्जा की कसम, ये उनके खुदाओं के नाम थे, उनकी कसम दी, आप मेरी बातों का जवाब दे दीजिए। जब बुहेरा राहिब ने लात उज्जा की कसम दी जो मुशरिकीन के खुदा थे, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लात उज्जा के नाम पर मुझसे कुछ ना पूछो, मैं किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। खुदा की कसम मुझे इनसे ज्यादा कोई नापसंद नहीं है। बुहेरा राहिब ने कहा कि चलिए आपको खुदा की कसम, लेकिन आप मेरी बातों का जवाब दे दीजिए। जब आपको खुदा की कसम दी गई तो आपने बुहेरा राहिब को इजाजत दी। अब बुहेरा राहिब ने हुजूर से सारी बातें पूछनी शुरू की जो आपके जात के मुतालिक थी। बुहेरा राहिब ने आपके आदात, आपके मिजाज, आपकी रूटीन लाइफ, आपके सोने जागने उठने बैठने से मुतालिक सवालात किए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुहेरा राहिब की सारी बातों का जवाब देते रहे। बुहेरा राहिब आपकी सारी जवाबात को सुनता, आपके आंसर को सुनता और आपके जवाब को और किताब में लिखी हुई बातों को मैच करता था और दिल में उस बात की तस्दीक करता था कि ये सही कह रहे हैं। बुहेरा राहिब ने जब आपकी मोहर नबूवत देखी जो आपके कंधों के बीच में थी, तो बुहेरा राहिब ने नबूवत की जियारत करते ही मोहर नबूवत को बोसा दिया। उसके बाद बुहेरा राहिब अबू तालिब के पास आए और पूछा अबू तालिब से कि ये बच्चा आपका कौन लगता है, कौन है ये? तो अबू तालिब ने जल्दी से कहा कि ये मेरा बेटा है। जब अबू तालिब ने कहा कि ये मेरा बेटा है तो बुहेरा राहिब कहने लगा, नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है कि इनका बाप जिंदा हो। अबू तालिब को तो बहुत हैरत हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये मेरे भाई का बेटा है। बुहेरा राहिब ने पूछा कि इनके बाप का इंतकाल कब हुआ? तो अबू तालिब ने कहा कि उनका उसी वक्त इंतकाल हो गया था जब ये पेट में थे। तो बुहेरा राहिब ने पूछा कि इनकी माँ का इंतकाल कब हुआ था? अबू तालिब ने कहा कि उनका इंतकाल भी उसी वक्त हो गया था जब इनकी उम्र 6 साल की थी। तब बुहेरा राहिब ने कहा कि आप सच कहते हो, आपका एक एक जुमला, एक एक बात सही है, 16 आने सच है। बस अब जल्दी से जाओ, अपने भतीजे को जल्दी से वापस अपने वतन पहुंचा दो और इसको हमेशा यहूदियों से बचाए रखना, वरना खुदा की कसम अगर इन पर यहूदियों की नजर पड़ गई और मेरी तरह उन्होंने भी इसको पहचान लिया तो इसके जान के दुश्मन बन जाएंगे, इसलिए कि तुम्हारा भतीजा कोई आम बच्चा नहीं है, ये निहायत अजीम और ऊंचे मर्तबे वाला है। और याद रखो, मैंने ये बात बताकर और ये नसीहत करके अपना फर्ज पूरा कर लिया है। अब जल्दी से इन्हें लेकर वापस अपने वतन चले जाओ, अगर तुम इसकी खैरियत चाहते हो तो। बुहेरा राहिब की सारी बातें सुनकर चचा अबू तालिब को भी लगा कि बात तो सही है, बात में दम है, क्योंकि चचा अबू तालिब खुद भी देखते थे कि उनका भतीजा कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि वो बहुत सारी खूबियों का मालिक है। इसलिए वो समझ गए कि बुहेरा राहिब बिल्कुल सही और ठीक कह रहे हैं। इसलिए चचा अबू तालिब तिजारत के सफर के लिए आगे शाम नहीं गए, बल्कि उसी सरहदी गांव बुसरा से वापस मक्का लौट गए। मक्का लौटने के बाद क्या हुआ, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है इसलिए हम यहीं पर रुकते हैं। मक्का वापस लौटने के बाद फिर क्या हुआ, वहां पर क्या अजीब अजीब वाकयात हुए, वो हम इंशाअल्लाह नवे हिस्से में यानी नवे पार्ट में सुनते हैं। बुसरा से वो वापस आ गए मक्का, देन देखते हैं कि मक्का में ऐसा क्या हुआ। वो वाला किस्सा बहुत सही था, जब
जब वो चल रहे थे तो जब बादल थे उनके साथ चल रहे थे, सो ये उनकी निशानी देखी है, नबी हैं, सो उनको पहचान लिया एंड वो कहते कि अपने बेटे को भतीजे को तुम लेके जाओ क्योंकि अगर इनको इन्होंने किससे बचा के रखने के लिए कहा है नबी को, कुरैशियों से यहूदियों से, यहूदियों से सॉरी, कि इनको तुम बचाओ नहीं तो इनके जान के दुश्मन बन जाएंगे। सो लेट्स सी कि देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में जैसे बच्चे को मार डालो जब वो वहां से हजरत हलीमा उनको भगा के ले गई थी फिर उनके माँ बाप के बाद छोड़ाई गया। सो नेक्स्ट पार्ट में यही होगा कि मक्का में आके फिर वापस क्या हुआ था, कैसे ये बड़े हुए हैं, कैसे क्या हुआ, बहुत 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 इंटरेस्टिंग है, बहुत मतलब एक्साइटिंग सी स्टोरी है अभी तक मोहम्मद जी की और आगे आगे लगेगा पता कि उम्मत के लिए उन्होंने क्या क्या किया है ना। सो बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना था गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।